तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल ज्योतिष में। तो आज किस वीडियो में आपको बता रहा हूँ टॉप 3 फोन्स अंडर 10,000, 10,000 के नीचे सबसे बढ़िया फ़ोन आज के इस लिस्ट में मैं आपको बताने लगा। वो भी आपको अगस्त अगस्त के फ़ोन में आपको बताने लगा, जून जुलाई के वो पुराने फ़ोन्स भी कुछ ऐड होंगे, लेकिन अगस्त में आपके लिए सबसे बढ़िया फ़ोन कौन से रहेंगे इस महीने में अगर आप फ़ोन खरीद रहे हैं तो। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने नंबर 3 पे जो फ़ोन रखा है वो है मोटोरोला का G8 पावर लाइन, जिसमें आपको P35 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ट्रिपल कैमरा के साथ मिल जाता है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ पहला ही फ़ोन है मोटोरोला का जो कि आपको इतने अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है 10,000 के नीचे। साथ ही साथ इस फ़ोन में आपको मोटोरोला के ब्रांड वैल्यू भी देखने को मिल जाती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है, HD+ डिस्प्ले है इस फ़ोन में। साथ ही साथ इसमें फ़ोन में आपको बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करें नंबर 2 पे। नंबर 2 पे हमने जो रखा है 10,000 के नीचे सबसे बढ़िया फ़ोन, जो कि नार्जो 10 है, जो कि तब कुछ दिन पहले ये फ़ोन बादशाह था उस समय का, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। जैसे इसमें आपको G70 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। साथ ही साथ इस फ़ोन में आपको देखने को मिल जाता है ट्रिपल कैमरा, फिंगरप्रिंट स्कैनर, साथ ही साथ HD+ डिस्प्ले, और ब्राइटनेस इस फ़ोन की बहुत ही बढ़िया थी। सनलाइट में भी आप इस फ़ोन को आपको ठीक तरीके से आप देख सकते थे। फुल HD+ नहीं था, HD+ था, लेकिन फ़ोन बहुत ही बढ़िया पैकेज था। साथ ही साथ ये फ़ोन 10,000 के नीचे आता था। पहले ये इस फ़ोन की प्राइस 8,500 थी, अब कुछ 9-10 हज़ार तक ये फ़ोन चला गया है। 4GB 64GB मॉडल आए वो आपको 10,000 में देखने को मिल जाता है। तो नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 सभी लोगों को पता चल ही गया है। नंबर 1 पे हमने रखा है रेडमी नाइन प्राइम, जो कि आपको प्राइम मेंबर्स के लिए स्टार्टिंग में था। आप कुछ दिनों में आपको नॉर्मल पीपल्स को भी आपको ये मिल जाएगा फ़ोन, जो कि आपको 10,000 के नीचे फुल पैकेज है। इसमें आपको 4GB 64GB मॉडल आपको 10,000 में देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको 5020 mAh की बड़ी बैटरी, स्लो चार्जर है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, इससे कुछ नुकसान नहीं है। आप रात भर भी फ़ोन को चार्ज लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 18 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, बड़ी बैटरी भी देखने को मिल जाती है, फुल HD+ रिजोल्यूशन, लेकिन इसकी ब्राइटनेस बहुत कम है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको G80 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि G70 से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है और थोड़ा सा ओवरक्लॉकड है। और इस फ़ोन की कैमरा भी बहुत ही बढ़िया है, डिज़ाइन तो बहुत ही बढ़िया है इस फ़ोन का। ओवरऑल ये फ़ोन फुल पैकेज में आप कह सकते हैं 10,000 के नीचे। तो प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप इन तीनों में से अगर आप एक फ़ोन खरीदने के जो सोच रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कुछ दिनों के लिए रुक जाइए। बहुत ही जल्द रियलमी का C12 और C15 लॉन्च होने वाला है। उसके बाद अगर उसमें आपको अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिले इन दोनों से, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको मिलता है, आपने सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब बेल आइकन दबाया हमें सबसे पहले देखने के लिए।